मैं पंडित शेखर तिवारी, निवास भोपाल। प्रश्न महाराज जी, मेरे एक पूर्वज जो कि बाल ब्रह्मचारी संत थे, जिनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई, कुछ लोग उनकी मृत्यु को सामान्य नहीं बताते, अकाल मृत्यु में रखते हैं। कुछ जानकारों से पता चला कि वो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। हम सभी तरह के पूजा पाठ कर चुके हैं मुक्ति हेतु, केवल श्रीमद् भागवत को छोड़कर आप मार्गदर्शन करें उनकी मुक्ति हेतु। देखिए पंडित शेखर तिवारी जी, आपके जो पूर्वज बाल ब्रह्मचारी संत थे, उनकी मृत्यु जब भी हुई है, अगर लोग ये बता रहे हैं कि रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई है, अर्थात उनकी हत्या या आत्महत्या हुई है, अगर ऐसी कोई बात है और बाद में लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई है, ऐसा अनुभव कुछ लोगों को हुआ होगा, तो हमारा आपसे यही कहना है कि आपने जैसा कि बताया सब उपचार आप कर चुके हैं, केवल श्रीमद् भागवत अभी उनके निमित्त से नहीं की है, तो अब यह भी कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा आयोजन करें इसके लिए ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे विद्वान पंडित को बुला करके मूल पारायण भगवान श्रीमद् भागवत का उनकी मुक्ति के लिए आप करवा दीजिए, निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत जी के श्रवण से अगर वो प्रेतात्मा बन करके इस समय विद्यमान है तो निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो आप अब ये उपाय भी कर ही लीजिए ताकि उनकी मुक्ति के बारे में आपके मन में कोई संदेह ना रहे और वो भी प्रेत योनि में रह करके भटकते ना रहे।